हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखे होंगे। सो माय नेम इज़ प्रिया महाजन एंड काफ़ी लोग जो कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं, यू मस्ट बी नोइंग मी। बट जो लोग न्यू हैं चैनल में, सो आई विल स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। सो माई नेम इज़ प्रिया एंड मैं और मेरे हस्बैंड एंड माई स्मॉल डॉटर लंडन में है पिछले 1.5 सालों से। सो आई स्टार्टेड शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि लंदन में कैसा होता है, बिकॉज व्हेन यू आर लिविंग इन इंडिया आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है फॉरेन कंट्रीज़ को लेके। सो व्हाट आर द थिंग्स विच आई एम फीलिंग इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम आर थिंकिंग व्हेन वी लिव इन इंडिया। सो आई एम शेयरिंग दैट एंड अदर देन दैट आई मेक द ट्रेवल वीडियोज़, आई मेक द लाइफ स्टाइल वीडियोज़ एंड टूडेज टॉपिक इज़ थिंग्स यू गेट फॉर फ्री। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अ सिटीज़न ऑफ एनी कंट्री तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई भी फ्री सर्विसेज नहीं मिलेगी, बट स्पेशली इन अ कंट्री लाइक UK यू गेट वेरी लेस थिंग्स विच आर फॉर फ्री। सो आई हैव कलेक्टेड सम ऑफ द थिंग्स जो मुझे 1.5 साल में लगा कि आप फ्री सर्विसेज अवेल कर सकते हो फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द लोकल काउंसिल, फ्रॉम योर लाइब्रेरी, फॉर द चाइल्ड केयर। सो आई एम कम्बाइनिंग ऑल ऑफ दैट एंड वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप अगर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हो या फिर ICT पे हो, सो आप क्या क्या चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट की सर्विसेज जो है वो फ्री बेनिफिट्स ले सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल स्टार्ट माई वीडियो। सो द थिंग इज़ कि वेन यू आर इन अ कंट्री लाइक कैनेडा और USA वहाँ पर आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट UK एवरीवन नोज़ यू हैव वेरी लेस फैसिलिटीज़ अगर आप यहाँ के सिटीज़न नहीं हो। बट तब भी मैंने ये जो 1.5 साल में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो कम्बाइन किए हैं, वेरी स्मॉल थिंग्स, बट कुछ भी फ्री में मिले वो अच्छा ही लगता है इन स्पेशली इन फॉरेन कंट्री। सो वी विल डिस्कस दैट। फॉर एग्जांपल आई वाज टॉकिंग विद माय फ्रेंड इन कैनेडा, सो ही सेड दैट कि उनका बच्चा जो है वो डे केयर में जाता है, स्टिल 50% गवर्नमेंट पे करती है डे केयर का एंड 50% जो है वो खुद से पे करते हैं। बट यहाँ पे जब तक आपका बच्चा 3 साल का नहीं है और आप स्किल्ड वर्कर पर हो, आपको कोई भी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती है, आपको 100% डे केयर का खुद से ही पे करना पड़ता है। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच मेक्स अ कंट्री लाइक पीपल वॉन्ट टू गो देयर मोर। सो लेट्स डिस्कस बेनिफिट्स ऑफ आर कंट्री वेयर वी आर लिविंग। सो नंबर वन इज़ ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विद द डे केयर ओनली कि 3 साल तक आपको कोई भी फ्री फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको पूरा खर्चा जो है वो डे केयर का खुद ही उठाना पड़ेगा। बट आफ्टर 3 ईयर जैसे ही आपका बच्चा 3 साल का हो जाएगा, आप नर्सरी में उसको 1 साल भेज सकते हो एंड डेली के जो 3 घंटे हैं वो गवर्नमेंट पे करेगी। मतलब एक वीक में 15 आवर्स जो है वो गवर्नमेंट फंडेड होता है। उसके बाद आपका डिसीजन है कि आप अपने बच्चे को फुल डे के लिए भेजना चाहते हो इफ़ यू बोथ आर वर्किंग, एंड इफ़ यू बोथ आर नॉट वर्किंग देन आप 3 घंटे के लिए वहाँ पे भेजिए। दैट इज़ अ कंपल्सरी थिंग और हर नर्सरी में जो है ये फंड जो है वो अवेलेबल होता है, आप ये फैसिलिटी ले सकते हो। बट मेक श्योर कि जैसे ही आपका बच्चा 2 साल का होता है, उसके बाद दिसंबर में आप जो है हर नर्सरी में एप्लीकेशन दे दीजिए, सो दैट बिकॉज इट्स अ फ्री थिंग। एंड अगर आपका बच्चा जैसे ही एज में आएगा अबव 3, सो दे विल नॉट गिव यू प्रायोरिटी, दे विल गिव द प्रायोरिटी टू द किड्स जो कि ऑलरेडी वहाँ पे कर रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि अपने पेड बच्चों को निकाल के आपको फ्री की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सो इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारी वेटिंग लिस्ट चलती है, सो मेक श्योर कि आपके नियरेस्ट जो भी नर्सरीज हैं आप वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए कि फ्रॉम नेक्स्ट सेप्टेम्बर जब मेरा बच्चा 3 साल का हो जाएगा उसके बाद से आई विल स्टार्ट सेंडिंग देम फॉर द फ्री फंडिंग जो कि है 15 घंटे एक वीक के। सो ये पहली फैसिलिटी जो है वो स्किल्ड वर्कर या ICT वालों को फ्री में मिलती है यहाँ पे। या इसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ का सिटीज़न होना ज़रूरी है या फिर ILR होना ज़रूरी है।
if you are on any visa, then you can get this facility. So second thing, everybody knows that school education is free. कि 3 साल से लेके आपका बच्चा जैसे ही 4 years का होता है तब आपको nursery free में मिलेगी. उसके बाद all over education जो है वो आपकी free है till the secondary school. उसके लिए आपको कोई भी पैसे pay नहीं करने हैं. Obviously छोटे छोटे खर्चे होते हैं like dresses या फिर books के, but other than that there is no fees, there is no admission fees, there is no school fees. So this is the second benefit you get out of the ICT visa or skilled worker visa. Number 3, if you have a library nearby you, then please visit that library. Libraries are free. हर काउंसिल के अंडर जो है वो एक लाइब्रेरी होती है. आप वहाँ पे जाइए, खुद को रजिस्टर कीजिए, अपना कार्ड बनवाइए. उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको एक तो बुक्स फ्री में मिल जाती हैं, आप कुछ भी पढ़िए, आप एक साथ 10 बुक्स ले सकते हैं. आपको रिटर्न करनी पड़ती है विद इन एवरी 3 वीक्स. एंड उसका सेकेंड बेनिफिट क्या होता है कि इफ़ यू हैव दैट लाइब्रेरी कार्ड, आपके पास गाड़ी भी है, तो आपको उस कार्ड की हेल्प से जो है पार्किंग में कुछ कंसेशन मिल जाता है. आप अपनी गाड़ी जो है लेस पार्किंग चार्जेस पे करके भी कहीं पे खड़ी कर सकते हो विद इन योर एरिया, नॉट इन ऑल ओवर द लंडन, बट जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेशन चार्जेस मिल जाते हैं. नंबर 3-4 लाइब्रेरी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू लाइक योर चाइल्ड थिंग्स. लाइक यहाँ पर क्या होता है कि हर वेडनेसडे या सैटरडे को चाइल्ड राइम्स होती हैं, सेशन होते हैं जहाँ पे आप अपने बच्चे को लेके जा सकते हो. वहाँ पे हाफ एन आवर का सेशन होता है. लाइक मेरे घर के पास जो लाइब्रेरी है यहाँ पे हाफ एन आवर का सेशन होता है. सो मैं कई बार मेहर को लेके जाती हूँ, वहाँ पे बच्चे राइम्स गाते हैं, वहाँ पे एक टीचर उनको स्पेशली असाइन होती है जो कि बच्चों को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करवाती हैं, राइम्स कराती हैं. दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन अवेल दैट सर्विस ऑल्सो. नेक्स्ट इज़ ऑब्वियसली NHS, जो कि मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि NHS इज़ ऑल्सो फ्री स्पेशली फॉर किड्स. आपको कोई भी प्रिस्क्रिप्शन के चार्जेस नहीं देने हैं, आपको अपॉइंटमेंट के चार्जेस नहीं देने हैं. बट अगर आप 18 ईयर्स से ऊपर हो देन आपके प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस लगते हैं. दैट इज़ आई थिंक 9.30 पर मेडिसिन. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो और आपको 4 मेडिसिन लिख के देते हैं, सो आप हर मेडिसिन के जो है वो 9 point something आपको पे करने हैं. बट इफ़ यू हैव अ चाइल्ड विद यू देन इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. उनका डेंटल भी फ्री है. डेंटल इज़ सो मच एक्सपेंसिव हेयर, बट यहाँ की कंपनीज कई बार स्पॉन्सर कर देती हैं डेंटिस्ट का खर्चा. बट अदर देन दैट आपको डेंटिस्ट का सारा खर्चा खुद से उठाना पड़ता है. बट फॉर किड्स थिंग इट इज़ वेरी बेनिफिशियल कि किड्स के लिए डेंटल भी फ्री है एंड आपका जो है बाकी हेल्थ केयर सिस्टम टोटली फ्री है. नेक्स्ट इज़ योर लोकल काउंसिल सेंटर. यहाँ पर क्या होते हैं कि कम्युनिटी सेंटर्स बने होते हैं. उसमें क्या होता है कि आप अपने बच्चे को लेके जाओ एंड वहाँ पे 2-2 घंटे के सेशन होते हैं. दैट ओनली डिपेंड्स वो किस दिन पे करते हैं. अलग अलग काउंसिल के अलग अलग डे डिसाइडेड है. लाइक जो मेरे घर के पास है वो ट्यूसडे एंड फ्राइडे है एंड दिन में वो 2 बार होता है. बट आप वीक में सिर्फ 1 ही बार एनरोल कर सकते हो. अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है तब वो आपको वीक में 2 बार सीट्स देते हैं. इसका पर्पस क्या है कि हर बच्चा जो कि नर्सरी नहीं जाता है वो वहाँ पर आए, बाकी बच्चों से मिले एंड खेले. एंड वहाँ पे आप एक पेरेंट जो है वो साथ में जा सकता है. इवन यू, आप आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी, आप उनके बच्चे के साथ जाइए. बच्चे खेलते हैं वहाँ पे एंड आफ्टर 1.5 आवर वो जो है बच्चों को कुछ खाने के लिए देते हैं एंड देन यू कैन जस्ट कम बैक. सो इसका बेनिफिट ये क्या होता है कि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड यू गेट टू नो ईच अदर. आपको ये भी पता चलता है कि एज अ पेरेंट ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड कि आपके एरिया में कौन कौन से लोग रहते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्री में समटाइम्स यू फील अलोन कि आपको कोई नहीं जानता. वहाँ पे आप जाओ तो आपका एक फ्रेंड सर्कल बन जाएगा एंड बच्चों का भी थोड़ा मन लगता है. दे सी लॉट ऑफ टॉयज. देर इज़ टोटली यू नो नर्सरी टाइप इन्वायरमेंट. सो दे सी लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ किड्स, सो वो दे एन्जॉय दैट द मोस्ट. अदर देन प्ले सेशन, वहाँ पे एक म्यूज़िक सेशन भी होता है जहाँ पे म्यूज़िक प्ले होता है, बच्चे डांस करते हैं एंड दैट इज़ ऑफ 1 आवर. बट द प्लेइंग सेशन इज़ ऑफ 1.5 आवर. सो आई थिंक दीज 2 सेशंस आर वेरी बेनिफिशियल. और ये जो है वीक में 2 या 3 बार होते हैं, बट दे डिसाइड कि कौन से वीक में म्यूज़िकल सेशन होगा और कौन से वीक में नॉर्मल प्लेइंग सेशन होगा. आप नॉर्मली अपने एरिया के काउंसिल वेबसाइट पर जाइए या फिर कम्युनिटी सेंटर सर्च करिए, वहाँ पर फेस टू फेस
कैफेज भी जा सकते हैं एंड आप वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. इन द लाइब्रेरी सेशन देर इज़ वन मोर थिंग ऑल्सो, जो आपके डस्टबिन के बैग हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं. जस्ट यू हैव कि आपका कार्ड बना हो लाइब्रेरी का, वह वहाँ पे शो कीजिए और आप अपने डस्टबिन बैग्स भी लेके आ सकते हो. बाहर से अगर आप खरीदते हो तो आपको पे करना पड़ता है. Although it is not that expensive outside also, but if you are getting it with the free prices, free of cost, I think इसमें क्या बुरी बात है. कम charges में यहाँ पर क्या होते हैं कि कुछ कुछ ऐसे center बने होते हैं जहाँ पर आप swimming के लिए enroll कर सकते हो, badminton के लिए enroll कर सकते हो, yoga के लिए enroll कर सकते हो, meditation के sessions होते हैं, वो भी उनके charges काफ़ी minimum होते हैं, like 20-30 pounds आप पूरे month के लिए enroll कर सकते हो. So it's a good thing, आप अपने बच्चों को लेके जाइए या फिर एज अ मदर ऑल्सो यू कैन गो देयर फॉर योगा और मेडिटेशन सेंटर और स्विमिंग सेशन. इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ. बच्चों के लिए वहाँ पे जिमनास्टिक सेशंस भी होते हैं, आप वो सर्विस भी अवेलेबल कर सकते हो. दैट इज़ ऑफ उसके चार्जेस होते हैं बट दे आर ऑल्सो वेरी मिनिमलिस्टिक एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट. सो येस, सो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो कि मुझे 1.5 ईयर में यहाँ पे लगे कि काफ़ी यूज़फुल है और थोड़े थोड़े फ्री में बेनिफिट्स मिल रहे हैं. बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इस कंट्री में स्पेशली कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा है कि आपको थोड़े थोड़े भी कुछ भी बेनिफिट्स मिलते हैं फ्री में, आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं. सो मेरे को जो 1.5 ईयर में जो मुझे लगा कि ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने वो टोटली कंबाइन करके आप लोगों के साथ शेयर किए हैं. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल और मैं ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करती रहूंगी एंड न्यू वीडियोस बनाती रहूंगी. सो टिल देन आई एम सेइंग बाय टू यू एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. सो बाय बाय.